नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से काफी बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हो कि हमारे भारत में फैली कोरोना महामारी बिल्कुल खत्म हो जाए तो इस वीडियो पर दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राज्यों की मांग पर जो है रेलवे 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने के ऊपर विचार कर रहा है। जी हां दोस्तों, पूरे भारत में जल्द ही 300 से 400 स्पेशल ट्रेनें जो है चलाई जाएंगी, साथ ही तेलंगाना में हर रोज 40 ट्रेनें चलेंगी। जी हां दोस्तों, कहां कहां से ये ट्रेनें चलाई जाएंगी, कैसे आप इसमें सफर कर सकते हैं, फंसे हुए मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं, कैसे आप इससे सफर कर पाएंगे, पूरी जानकारी देंगे वीडियो के साथ, जो है अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर अपडेट की जानकारी देंगे कि दिल्ली के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी महंगी हो चुकी है शराब। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों ने जो है शराब के दामों को लगभग दोगुना कर दिया है। अब कीमतें कितनी हो गई है, कौन कौन से राज्यों ने जो है शराब के दाम बढ़ा दिए हैं, पूरी जानकारी देंगे, आप वीडियो के साथ जो है अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर अपडेट की जानकारी देंगे कि बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब आप जीत सकते हैं LED टीवी, मोबाइल और भी कई इनाम। जी हां दोस्तों, यदि आप बिजली का बिल भरकर कैसे LED टीवी जीत सकते हैं, कैसे मोबाइल जीत सकते हैं, कैसे अन्य इनाम जीत सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर अपडेट की जानकारी देंगे कि बिना राशन कार्ड वालों को भी अब राशन दे रही है सरकार। इसी के साथ ही कई लोगों को 5,000 रुपए की सहायता दे रही है। जी हां दोस्तों, किन किन लोगों को 5,000 रुपए की सहायता मिलेगी, साथ ही बिना राशन कार्ड वालों को कैसे राशन मिलेगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, आप वीडियो के साथ जो है अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर अपडेट की जानकारी देंगे कि टीवी, फ्रिज, AC जो है काफी ज्यादा सस्ते हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, इनके ऊपर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये ऑफर किनको मिलेगा, कैसे आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियां ये ऑफर दे रही है, पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जानकारी देंगे कि अब गेंद पर जो है थूक की जगह लगाई जाएगी ये चीज। जी हां दोस्तों, क्रिकेट में जो है एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला। अब दोस्तों, क्रिकेट खेलने वाली टीमें जो है तथा गेंद के ऊपर थूक नहीं लगा सकती, ये चीज लगानी होगी, कौन सी ये चीज है, पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा भी दोस्तों, कई बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो आप वीडियो के साथ जो है अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है, लॉकडाउन 3.0, राज्यों की मांग पर रेलवे चलाने जा रहा है 300 स्पेशल ट्रेनें, तेलंगाना से चलेंगी हर रोज 40 ट्रेनें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन 3.0 लागू हो चुका है। इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद भारतीय रेलवे ने अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए कई स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी है। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक अब तक 58 ट्रेनों को चलाने की व्यवस्था की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों के अंदर भारतीय रेलवे 300 से ज्यादा ट्रेनें चलाने के ऊपर विचार कर रहा है। इसके लिए रेलवे ने अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है। रेलवे के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक केवल भेजने वाले और पाने वाले राज्य ही आपस में बात कर ट्रेन संचालन करवा सकते हैं। इन ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों के अलावा विभिन्न राज्यों में फंसे स्टूडेंट, शरणार्थी और टूरिज्म को भी घर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। जानकारी के मुताबिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन का केवल एक गंतव्य स्थान होगा। जी हां दोस्तों, बीच में ये ट्रेनें कहीं पर भी नहीं रुकेंगी और इन ट्रेनों के अंदर जो है 1,000 से 1,200 यात्री तक जो है एक साथ सफर कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, जल्दी पूरे देश में जो है 300 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसी बीच यूपी, बिहार, झारखंड के श्रमिकों का घर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जो है तैयार हो चुका है। लखनऊ, गोरखपुर, रांची, धनबाद, हतिया, दानपुर स्टेशन पर जो है ट्रेनें पहुंच चुकी हैं और लोग जो है अपने घरों तक जा रहे हैं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए। जी हां दोस्तों, इसी के साथ ही आपको बता दें कि तेलंगाना से हर रोज 40 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के मुताबिक तेलंगाना में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए अगले 7 दिनों तक जो है रोजाना 40 ट्रेनें चलाई जाएंगी। पूरे देश में दोस्तों ट्रेनें चलाई जा रही हैं, आप भी इसमें सफर करके अपने घर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप भी कहीं फंसे हुए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप कहां पर फंसे हुए हैं और कहां पर जाना चाहते हैं, ताकि आपकी जानकारी भी सरकार तक पहुंच सके। इसी के साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि दिल्ली के बाद अब आंध्र प्रदेश में महंगी हुई है शराब, आज दोपहर से लागू होंगी नई कीमतें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी शराब की कीमतों में 50% का इजाफा कर दिया है, जिसके कारण शराब की कीमतों में कुल वृद्धि जो है 75% की हो जाएगी। संशोधित कीमतें आज दोपहर से ही लागू हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि शराब की खपत को देखते हुए मूल्य में वृद्धि की गई है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी शराब पर 70% कोरोना फीस लगाई है। जी हां दोस्तों, सभी राज्य जो है शराब के ऊपर कोरोना फीस यानी कि कोरोना टैक्स लगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली और आंध्र प्रदेश राज्य ने जो है ये कोरोना टैक्स लगा दिया, इसके बाद दूसरे राज्य भी विचार कर रहे हैं। लॉकडाउन 3.0 के पहले दिन शराब के दुकानों पर उमड़ी भीड़ को सीमित करने और सरकारी राजस्व को बढ़ाने के मकसद से दिल्ली सरकार ने स्पेशल कोरोना शुल्क लगा दिया है।
शुल्क की दर एमआरपी पर 70% की होगी। यानी कि दोस्तों जो बोतल 1000 रुपए में आती थी अब उसे 1700 रुपए में बेचा जाएगा। सरकार जो है 70% तक जो है टैक्स लगाने के ऊपर विचार कर रही है। दिल्ली और आंध्र प्रदेश सरकार ने ये टैक्स लगा चुकी है। दूसरे राज्य भी जल्दी कोरोना टैक्स जो है सभी शराब पर लगाने जा रही है। इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकलकर आ रही है कि खुद से मीटर रीडिंग कर समय पर भरे बिजली का बिल, जीते एलईडी टीवी और भी बहुत कुछ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों ने खुद से मीटर रीडिंग करने और समय पर बिल का भुगतान करने वाले ग्राहकों को एलईडी टीवी जैसे इनाम और बिल में छूट देने की पेशकश की है। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान मीटर रीडिंग और बिजली बिल भरने में आ रही परेशानियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड ने कहा है कि 31 मई से पहले बकाया बिलों का भुगतान करने वाले ग्राहकों को एलईडी टीवी, एयर प्यूरीफायर, मोबाइल फोन जैसे इनाम मिलेंगे। कंपनी ने इसके लिए पे बिल एंड विन योजना शुरू कर दी है और साथ ही 220 रुपए तक की आपको बिल में छूट भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इसे दिल्ली में लागू किया गया है। जल्दी भारत की दूसरी बिजली कंपनियां भी जो है ऐसी ही व्यवस्था लागू करने वाली है, जिसके बाद जो है आप अपना बिजली का बिल भरकर एलईडी टीवी, एयर प्यूरीफायर, मोबाइल फोन जैसे इनाम जीत सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों में हो रही है कोरोना की पुष्टि, संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरे राज्यों से अपने घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो रही है। रविवार को छत्तीसगढ़ लौटने वाले 14 प्रवासी श्रमिकों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कर्नाटक और राजस्थान में सोमवार को 3 प्रवासी मजदूरों में कोरोना वायरस पाया गया। ये लोग चुपचाप बिना स्कैनिंग करे निकल गए थे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग घरों में वापस लौट रहे हैं उनमें कोरोना की पुष्टि होती जा रही है, जिसको लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसलिए सरकार ने कहा कि जो भी लोग जो है, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, जो भी लोग अपने घरों तक जा रहे हैं वो कृपया स्कैनिंग कराएं। साथ ही उनके अंदर कोई भी कोरोना का लक्षण है तो वो सरकार को तुरंत इसकी जानकारी दें ताकि सरकार उनका इलाज करा सके, साथ ही वो अपने परिवार को भी कोरोना से बता सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों आपके लिए आज का सवाल, जी हां दोस्तों आपके लिए आज का सवाल है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी। फटाफट से आप अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब देने वाले को हमारी टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि दिल्ली बिना कार्ड वाले 38 लाख लोगों को मिलेगा राशन, ई रिक्शा चालकों को 5000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन 3.0 में प्रभावित दिशा निर्देशों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उनके कैबिनेट सहयोगी और आला अधिकारियों के दिल्ली सचिवालय पहुंच चुके हैं। यहाँ केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें गैर राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन देने और वाहन चालकों को दी जाने वाली 5000 रुपए की आर्थिक मदद से जुड़ी योजना के दायरे में ई रिक्शा चालकों को भी शामिल करने व उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में मारे गए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की आर्थिक मदद से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पहला प्रस्ताव करीब 38 लाख गैर राशन कार्ड धारकों के लिए राशन देने की व्यवस्था की जाएगी। इन सब लोगों को जो है ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से राशन के ई कूपन पंजीकृत करवाए जाएंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है तथा अब इसके लिए हर व्यक्ति को जो है 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल के साथ ही हर परिवार को कोरोना रिफिल किट दिया जाए, जिसमें 1 लीटर रिफाइंड तेल, 1 किलो छोले, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम धनिया और 200 ग्राम मिर्च पाउडर के साथ ही 2 साबुन भी दी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरा एक किट बनाकर जो है सभी लोगों को दिया जा रहा है। फिलहाल ये जो है दिल्ली में दिया जा रहा है। इसके बाद सभी राज्य सरकारें जो है राशन के साथ ही एक स्पेशल किट देंगी, जिसमें सभी जरूरी सामान होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि कोविड-19 के लिए दवा बनाने के करीब पहुंचा है भारत, IICT कर रहा है काम। जी हाँ दोस्तों, भारत की IICT कंपनी जो है कोरोना की दवा बनाने के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। साथ ही सरकार का दावा है कि ये कंपनी आने वाले कुछ ही दिनों में दवा तैयार कर लेगी। इस दवा से जो है कोरोना के मरीज का मात्र 2 से 3 दिन के अंदर पूरी तरह से ठीक करके इलाज कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत जो है जल्दी कोरोना की दवा बनाने में कामयाबी हासिल कर लेगा। इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि टीवी, फ्रिज, एसी खरीदने वालों को सैमसंग दे रहा है भारी कैशबैक, नो कॉस्ट EMI के साथ मिलेगा ये ऑफर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सैमसंग कंपनी ने जो है पूरे भारत में सभी ग्राहकों के लिए बड़े ऑफर का ऐलान कर दिया है, जिसमें टीवी, फ्रिज, एसी खरीदने वालों को जो है भारी कैशबैक दिया जाएगा। साथ ही नो कॉस्ट EMI के साथ ही आपको कई ऑफर भी दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट ओवन, पर जो है ये नियम लागू होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सैमसंग ने जो है आपने इन सभी उत्पादकों को खरीदने के ऊपर 15% से लेकर 20% तक का कैशबैक देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 15 से 20% तक का आपको इनके प्रोडक्ट पर जो है छूट मिलेगी। साथ ही आपको जो है नो कॉस्ट EMI के ऊपर दिए जा रहे हैं, यानी कि अगर आप EMI पर भी सामान खरीदते हैं, जैसे कि TV, AC, फ्रिज वगैरह खरीदते हैं, तो आपको अतिरिक्त कोई भी भुगतान नहीं देना होगा
किसी भी प्रकार का आपके ऊपर जो है ब्याज नहीं लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में जो है सैमसंग कंपनी ने अपने सभी ब्रांड पर जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी पर जो है ये नया नियम और नया ऑफर सभी ग्राहकों के लिए पेश कर दिया है। इसी के साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि अब गेंद पर थूक की जगह लगाई जाएगी, ये चीज पूरी तरह बदल जाएगा क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट थम चुका है, लेकिन जब खेल की दोबारा शुरुआत होगी तो ऐसा माना जा रहा है कि यह पूरी तरह से बदला हुआ होगा। रिपोर्ट सामने आ रही है कि आईसीसी खिलाड़ियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए गेंद पर पसीने और थूक लगाने की प्रक्रिया पर बैन लगा सकती है। इसी के मद्देनजर अब थूक और पसीने का विकल्प भी तैयार किया जा चुका है। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट गेंद निर्माता कंपनी कुकाबूरा लार और पसीने के विकल्प के तौर पर जल्दी वैक्स एम्प्लीकेटर तैयार करेगा, जो कोविड-19 के बाद क्रिकेट जगत में गेंदबाजों को गेंद चमकाने में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब गेंद को चमकाने के लिए जो है थूक और पसीने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसके लिए एक अलग से चीज तैयार की जा रही है, जो कि सभी क्रिकेट वालों को जो है और जितने भी क्रिकेट खेलते हैं सभी खिलाड़ियों के ऊपर नियम लागू होगा। यदि कोई भी थूक या पसीना लगाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि आज की वेदर न्यूज अपडेट, मौसम विभाग ने दी है भारी बारिश और ओलों की चेतावनी, जाने किन राज्यों में रहेगा असर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रही दक्षिण पूर्वी और पूर्वी नमी वाली हवाओं और पश्चिमी विभक्स के प्रभाव के चलते अगले 24 से 48 घंटों के बीच उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही बारिश दर्ज की जाएगी। हवाओं की स्पीड 40 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इसी के साथ ही अगले 24 घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित आसपास के कुछ राज्यों में तेज हवाओं के साथ जो है बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है। इसी के साथ ही अगले 12 से 24 घंटों के अंदर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी, साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं हिमालय के कुछ ऊंचाई वाले हिस्सों में जो है बर्फबारी भी देखी जाएगी। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट, मुख्य जानकारी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट लगातार मिल सके। तो चलिए।